प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष संघ सैटेलाइट्स पर आधारित टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, विलेज रिसोर्स सेंटर और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। 21वीं सदी में स्पेस दुनिया को जोड़ने में, यूनाइट करने में अहम भूमिका निभाए, ये भारत को सुनिश्चित करना होगा। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष संघ और कैसे मदद करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में मदद करेगा। स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर सरकार से डील करवाएगा। नई तकनीक के बारे में जानकारी साझा करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को मौका देगा। इसी के साथ ही 5G और उसके बाद की तकनीक के प्रचार प्रसार का काम भी भारतीय अंतरिक्ष संघ करेगा। भारत को अंतरिक्ष में नए मुकाम तक ले जाना भारतीय अंतरिक्ष संघ का मकसद है। इस संघ में सरकारी, गैर सरकारी, रक्षा, संचार और स्टार्टअप के लोग शामिल हैं। आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष संघ का मकसद आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी भागीदारों को साथ लेकर इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए निजी कंपनियों के लिए उपयुक्त माहौल बनाना है, साथ ही उन्हें हर तरीके की सुविधाएं देना और मौके प्रदान करना है ताकि वो देश हित में काम कर सके। ISPA देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए काम करेगा ताकि लोगों को देश के चप्पे चप्पे पर तेज गति वाला इंटरनेट मिल सके।